इस बार की जो आपकी क्लास 12th होने वाली है ना, बिल्कुल आप आग लगाने वाले हो। पूरा पूरा प्लान मैं रेडी करूंगा, पूरा पूरे लेक्चर्स, बेस्ट नोट्स, सब कुछ चीजें इस चैनल पर अपलोड होंगी। मतलब पूरा यूट्यूब में देख के हैरान हो जाएंगे लोग कि भाई इतनी सिंपल लैंग्वेज में कोई कंप्यूटर साइंस कैसे पढ़ा रहा है। सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। तो भाई देखो, इस वीडियो को दो टाइप के व्यूअर्स देख रहे होंगे। एक तो होंगे भैया जो 2023 बैच में जो भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, जो कि 11th क्लास में थे, अब वो 12th क्लास में आ गए 2024 बैच में। और एक होंगे जो कि मुझे पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो यार देखो, ये वाला चैनल जो है, इस चैनल पे आपको प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो फिर 2023 बैच के 12th और 11th क्लास के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा तगड़ा कॉन्टेंट आया था और उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। सीरियसली आप कमेंट्स भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब क्लास 12th के जो ये वाला बैच होने वाला है, ये समझ लेना कि जो वाले बैच का रिस्पॉन्स था ना, उससे 10 गुना ज्यादा बढ़िया कॉन्टेंट इस बार हमारे चैनल पर आ रहा होगा। तो भाई दिल थाम के बैठो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज आप लोगों के लिए आने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मैं बोल दे रहा हूँ भाई, आप लोगों का फायदा है, ठीक है, कर लेना, करना तो फिर वरना कंटेंट आता रहेगा। और चलो वीडियो को स्टार्ट। तो भाई सबसे पहली बात आती है हमारी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस को हमें स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज आती है हमारी सिलेबस। अब देखो यार, सिलेबस हर चीज में पहले फॉरमोस्ट रहता है, क्योंकि भाई सिलेबस जिसको पता होगा वही कुछ देख सकता है, आगे स्टार्ट कर सकता है। तो भाई सिलेबस अभी हमारा वही सेम है जो कि हमारा 2023 वाला सिलेबस था। तो क्लास 12 का जो सिलेबस है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं नीचे पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। तो भाई सामने आपको स्क्रीन पे सिलेबस दिख रहा होगा और साथ में मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा ताकि आपको पता लग जाए आपका सिलेबस क्या है। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज आपकी आपके यहाँ पे रिवीजन टूल। अब देखो यार, रिवीजन टूल के ऊपर ना हमने क्लास 12th में पिछली बार बहुत तगड़ी तरीके से पूरी पूरी क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस को धोया था, वो भी विद इन 5 to 6 डेज, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता हो यार तो फिर आप देख सकते हो, बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, रैपिड रिविजन बनाए थे, पीवाईक्यूज प्रोवाइड करे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करे थे, नोट्स प्रोवाइड करे थे, और भी बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। तो इस बार का ये समझ लो कि इस बार की जो आपकी क्लास 12th होने वाली है ना, बिल्कुल आप आग लगाने वाले हो। पूरा पूरा प्लान मैं रेडी करूंगा, पूरा पूरे लेक्चर्स, बेस्ट नोट्स, सब कुछ चीजें इस चैनल पर अपलोड होंगी। तो फिर बिल्कुल भाई इस चीज के लिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो बेस्ट चीज मैं कहीं से भी जुगाड़ करके बेस्ट क्वेश्चंस, बेस्ट पीवाईक्यूज, बेस्ट नोट्स, बेस्ट लेक्चर सब कुछ इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। सामने सिलेबस दे रखा है, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आपका रिविजन टूर आता है, कॉमन सी चीजें जो आपने 11th में पढ़ी हुई है वही सब कुछ आपको पढ़ना होगा। सेकंड चीज आपकी फंक्शन, फाइल हैंडलिंग, टेक्स्ट फाइल, ये सारी चीजें नोट्स बना के रखी हुई है पहले तो आपके लिए पहले से, ठीक है। बट इस बार भाई 2024 के सेशन के नए नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जिसमें की सारी की सारी अच्छी से चीजें लिखी हुई होंगी, डिटेल्स में होंगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई उनको पढ़ने के बाद आपको फिर से कहीं और जाना पड़ रहा है। एक बार अगर आपने उनको पढ़ लिया ना, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इतनी सिंपल लैंग्वेज में होगा। मतलब पूरा यूट्यूब में देख के हैरान हो जाएंगे लोग कि भाई इतनी सिंपल लैंग्वेज में कोई कंप्यूटर साइंस कैसे पढ़ा रहा है, ठीक है। तो भाई ये चीज आपकी होंगी। और फाइल हैंडलिंग, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल, सारी फाइल्स का डिस्कशन है। देखो टोटल आपका ना सिलेबस आपका तीन पार्ट्स में ध्यान रखना। एक आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग और प्रोग्रामिंग, जिसमें आपका रिवीजन टूर और आपकी फाइल हैंडलिंग आ जाता है, फंक्शंस आ जाता है, और एक डाटा स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें। और उसके बाद आपका दूसरी चीज आती है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में आपको सारा नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है, डाटा नेटवर्किंग कैसे होती है, किस किस मीडियम से होती है, ठीक है, क्या क्या टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं, वो सारी चीजें पढ़नी है आपको। मतलब थ्योरी है सारी की सारी। एंड नेक्स्ट लास्ट में आपका आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब DBMS, इसमें आपको DBMS के बारे में पढ़ना है, क्या क्या टेबल है, क्या क्या मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है, SQL पढ़ना है, ठीक है। तो पूरा पूरा आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। इसमें और ज्यादा आपका कुछ भी नहीं है इसमें आपके सिलेबस के लिए। और जब प्रैक्टिकल आएंगे तो प्रैक्टिकल का भी साथ में तैयारी करूंगा, मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें, क्या क्या क्वेश्चन आते रहते हैं, सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगे चैनल पे, ठीक है। तो भाई ये आपका सिलेबस रहने वाला है, कोचिंग वगैरह इसके लिए कोई जरूरी होती नहीं है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको कुछ नहीं करना, जो भी वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ बस साथ में देखते रहो उनको, और सेल्फ स्टडी कर लेना, बस एक बार शाम को रिवाइज कर लेना, बस यही पूरा प्लान रहने वाला है। और देखो यार, प्लान में आपका क्या है, बेस्ट बुक्स की बात करो तो देखो सबसे पहले मैं तो भाई मैं आपसे जरूर बोलूंगा कि भाई एनसीईआरटी परचेस कर लेना, ठीक है। वो यार क्योंकि हर चीज में ना एक वो रहता है कि भाई बेसिक स्टैंडर्ड रह जाता है कि हाँ भाई इसके ऊपर क्या पढ़ना है फिर नीचे पढ़ना है, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। मॉडरेट लेवल में पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है, किसी चीज को डिटेल में पढ़ना है, एनसीईआरटी जो है वो कंपलसरी है। सेकंड चीज जो आपकी बुक आती है यार, आप प्रेफर कर सकते हो, मार्केट में तो बहुत सारी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन करने तो आया नहीं हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप चाहो तो फिर आप कोई सी भी ले सकते हो, और मैं सजेस्ट करूंगा यार आप चाहो तो फिर प्रीति अरोड़ा और सुमिता अरोड़ा, दो बेस्ट बुक्स आती है मार्केट में, किसी की टीचर सुमिता अरोड़ा प्रेफर कराते हैं, किसी की प्रीति अरोड़ा। मैं बोलूंगा यार आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, एक जैसी है। और बाकी अगर आपको चाहिए यार मैं डिटेल बुक का कंपैरिजन करूं कि भाई कौन सी बुक बेस्ट है, तो फिर वो नीचे मेरे को आप कमेंट में बता देना, वो भी आपके लिए आ जाएगा।
और यार क्या क्या चीज आपको चाहिए ना मेरे को नीचे कमेंट्स में बता दो, और क्या क्या सब्जेक्ट के लिए आपको पूरा का पूरा प्लान चाहिए कैसे स्टार्ट करने के लिए। मैं सारे सब्जेक्ट के लिए लाने वाला हूँ बहुत जल्द, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो फिर उसके लिए भी चीजें आने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चलो तक बाय।